लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने तुर्भेम आईडीसी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठाते हुए जरूरी इंतजाम करने की अपील की है। रामचंद्र घरत ने कहा कि इस औद्योगिक इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सैकड़ों टैंकर्स खड़े रहते हैं, जिनके ड्राइवर यहां से गुजरने वाली महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी या छेड़खानी करते हैं। इससे भय का माहौल पैदा हो गया, जिसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने टैंकरों की पार्किंग को हटाने की भी मांग की है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा यह तुर्भे और नेरुल के बीच का वो यही औद्योगिक इलाका है जो आजकल महिलाओं के लिए नई मुसीबत बन गया है। बीजेपी के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने बताया कि यहाँ हर दिन एचपी कंपनी के 400 से अधिक ऑयल और गैस टैंकर खड़े होते हैं, जिनके ड्राइवर यहाँ से गुजरने वाले महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते हैं। असल में इस औद्योगिक इलाके में 15,000 से 20,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 50% महिलाएं हैं। ट्रक चालकों की बदसलूकी से ऐसी महिलाओं में भय पैदा हो गया है और काम पर आने जाने में तकलीफ हो रही है। इसलिए जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने इसे तत्काल रोकने की मांग की है कि एचपी के यहाँ पे यहाँ से आगे तुर्भे तक वो जो अंदर का रोड है, वो रोड पे पूरे एचपी के गैस के, एचपी के ऑयल के 400-500 ट्रक लगते हैं और इस एरिया में औद्योगिक क्षेत्र होने से कम 15,000 या 20,000 लोग काम करते हैं। उसमें 50 के ऊपर लेडीज़ काम करती है और लेडीज़ शाम को जब निकलती है तो उनको उनके तरफ इशारे, उनको प्रॉब्लम्स होने लग रहा है। ये पूरे इलाके में एक भय का वातावरण निर्माण हुआ है। लेडीज़ को अपने काम पे जाने से आने से के लिए तकलीफ हो रही है। गौरतलब है कि तुर्भेम आईडीसी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपी कंपनी का फिलिंग स्टेशन है, जहाँ देश भर से रोजाना हजारों टैंकर ऑयल और गैस फिलिंग के लिए आते जाते हैं। हालांकि यहाँ पार्किंग टर्मिनल नहीं होने से 400 से अधिक टैंकर एमआईडीसी के इन्हीं सड़कों पर खड़े होते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि यहाँ न जाने कहाँ कहाँ से और कैसे लोग आते हैं, इसलिए ऐसे वाहनों की पार्किंग का अलग इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ट्रैफिक पुलिस और एमआईडीसी को शिकायत देकर इसका समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। वो ट्रक ड्राइवर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरे इंडिया में वहाँ से सप्लाई हो जाता है। तो वहाँ पे जो ड्राइवर्स आते हैं, उनके कंडक्टर हैं, उनके जो लेबर्स हैं, उनके लिए कुछ तो एक अरेंजमेंट कीजिए। तो मैं ये भी एमआईडीसी को भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे डीसीपी कराड़ साहब है उसको भी लेटर दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से हटाया, इनके लिए कुछ तो एक अरेंजमेंट कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।